नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपने इस खास कार्यक्रम चिबराहट में। आखिर इन बोर्ड में क्या कुछ लिखा गया था? दरअसल केदार घाटी सहित रुद्रप्रयाग के जनपद नियालसू, रविग्राम और शेरसी सहित कई ग्राम सभाओं में गैर हिंदुओं और रोहिंग्याओं के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए ये बोर्ड लगाए गए थे, जिनमें लिखा था गैर हिंदुओं, रोहिंग्याओं, मुसलमानों व फेरी वालों का गाँव में व्यापार करना व फेरी लगाना वर्जित है। अगर ये गाँव में कहीं भी मिलते हैं तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये बोर्ड इंटरनेट पर वायरल होते ही पुलिस प्रशासन द्वारा हटवाए जाते हैं और इनमें से समुदाय विशेष को टारगेट कर रहे शब्दों में फेरबदल कर इन्हें दोबारा लगाए जाने की अनुमति दी जाती है। ग्रामीणों के लिहाज से माने तो इन बोर्ड को लगाने का कारण साफ है, जो है आए दिन उत्तराखंड में हो रहे महिलाओं और बच्चों के साथ रेप, छेड़छाड़ की हरकतें, मंदिरों में लूटपाट इत्यादि। हाल ही में चमोली और देहरादून के मामलों को देखा जाए तो इसमें समुदाय के लोग ही शामिल रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक रोहिंग्या फेरी वालों का गांव में आना बंद नहीं होगा, जब तक बिना जांच किए पहाड़ों में बाहरी लोगों को आने दिया जाएगा, तब तक पहाड़ों की महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी। उनका यह भी कहना है कि गांव के प्रवेश द्वार पर जो बोर्ड लगाए गए हैं वह किसी धर्म विशेष को लेकर नहीं, बल्कि बिना सत्यापन वाले बाहरी लोगों व फेरी वालों के लिए। रुद्रप्रयाग के बाद गुप्तकाशी के मंदिरों में भी गैर हिंदुओं के प्रवेश पर अब रोक लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए गैर हिंदू पवित्र कुंड में स्नान करते हैं और इससे मठ मंदिरों की सुरक्षा को लेकर स्थानीय लोग चिंतित हैं। उनका महिलाओं और लड़कियों पर गंदे कमेंट्स कसना वहां के लोगों की सुरक्षा पर भी सवाल उठाता है। लोगों की एक बार फिर यही मांग है कि प्रदेश में आ रहे बाहरी लोगों का सत्यापन होना चाहिए। मामला इतना बढ़ता जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दे डाली है। इन सब मुद्दों को उत्तराखंड सरकार द्वारा अनदेखा करना या उत्तराखंड का डेमोग्राफिक चेंज होना, दोनों ही ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देता है जिसमें स्थानीय लोगों को ही अपनी और अपने धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। तो क्या कुछ है इस पे आपका कहना, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।